पानी ठंडे की गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंड है, लेकिन जय श्री राम का नाम लेके खुद ही गर्म हो जाएगा। वो गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाता है। नगरी में हम इतना कह देते हैं दोस्तों कि कोई भी इंसान यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता। थोड़ा हिंदी आते थोड़ा थोड़ा आते और यहाँ पर बोला गया है कि आप पान भूखा खेनी जो भी आप लेकर जा रहे हैं ना, आप यही कहें क्या? पंडा जी है जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। और दोस्तों अभी हम आए हुए हैं अयोध्या और अभी हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं राम मंदिर में राम जी का दर्शन करने। तारीख 12 तारीख पहला महीना 2024 को सुबह 6 बजे हम अपने घर सिंगरामा पटना से राम मंदिर अयोध्या के लिए निकले थे पैदल यात्रा पर बिना पैसे के। और दोस्तों हमने यात्रा पूरी तरह से संपन्न कर लिया है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और हम सही सलामत राम मंदिर अयोध्या पहुँच चुके हैं। और इस बीच में बहुत सारे लोग मिले जो हमें बहुत ज़्यादा मदद किए, उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। अंकल है जो कि यहीं पर काम करते हैं, उन्हीं के साथ हम यहाँ पर रहते हैं और दोस्तों यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। और खाने की बात करें तो राम मंदिर अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर में आपको भंडारा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप सिर्फ अपने साथ आधार कार्ड रखिए और वहाँ पर जाकर खाना खा लीजिए। और दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं राम मंदिर में राम जी का दर्शन करें, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग को हम बता दें कि आप लोग शरी नदी में अगर स्नान कर कर जाएंगे ना तो उसकी महत्व ही अलग हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो घर पर स्नान कर लेते हैं क्योंकि ठंड का मौसम, मतलब आप लोग देख सकते हैं इस तरफ कितना ज़्यादा कुहरा लगा हुआ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे मुंह से भाप निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ में आइए और देखते हैं कैसा होता है आज का ब्लॉग। मेन गेट है, आप लोग यहाँ से मंदिर की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से सरयू नदी की दूरी है करीब 2.5 किलोमीटर, तब हम चलते सरयू नदी के किनारे। अभी पूरा अयोध्या राम भक्ति में मग्न है, मग्न है। और यहाँ पर हर जगह राम जी का फोटो लगाया गया है और बहुत ही यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत ही शांति का माहौल है, सुकून है इस जगह पर, बहुत ज़्यादा सुकून। और दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बताते हैं कि अयोध्या राम नगरी में आप कभी भूखे नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर गली में भंडारा लगता है और आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग लाइन लगे हुए भंडारा के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। वैसे आप पैसा देकर भी दुकान में जाकर खाना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भंडारा बहुत ज़्यादा लगता है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा। ये उस तरफ सरयू नदी है और यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग इतनी ठंड में भी स्नान कर रहे हैं। और यहाँ से स्नान करने के बाद सभी लोग जाएंगे राम मंदिर राम जी के दर्शन करने और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलेंगे और अगर आप डूबा पानी में जाएंगे तो सब डूबा है। इस तरफ ज़्यादातर लोग इसी तरफ नहाते हैं, जो आप घेरा देख रहे हैं ना इसी घेरा में सभी लोग स्नान करते हैं। इस बोट में बैठकर आप लोग नदी का सैर कर सकते हैं। इस तरफ और बोट आप लोग देख सकते हैं, बोट कितना बढ़िया से सजाया गया है, एकदम बढ़िया से फूल वगैरह सब कुछ बोट में लगा दिया गया है। कितना चार्ज है? 100 रुपये भाई। 100 रुपये जी, कम नहीं होगा? कम ही बताए भाई, 120 रुपये, लेकिन 100 रुपये में घुमा रहे हैं। कितना देर तक घुमाते हैं? 15 मिनट। इधर आप लोग देख सकते हैं वो भैया इतने ठंड में भी स्नान करने वाले हैं अभी कुछ देर में, और उधर सब स्नान कर रहे हैं, वो अभी डुबकी लगा रहे हैं। ओ भाई साहब, देख सकते हैं जो लोग स्नान करते हैं यहाँ पर अपना वस्त्र चेंज करते हैं। यहाँ पर स्नान करने के बाद लोग और सरयू मैया का आरती पूजा करते हैं स्नान करने के बाद है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है और जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं सरयू नदी में वो स्नान करने के बाद ये दिया को जलाते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। और एक याद है सरयू मैया का, इसका कीमत कितना होता हुआ? 10 रुपये 20 रुपये। और फूल भी आप बेचते हैं ना? फूल भी बेचते हैं, 10 रुपये का फूल है, 10 रुपये का अगरबत्ती का फूल माचिस है। जय श्री राम अंकल जी।
आप यही कहें क्या? नहीं, अयोध्या के पंडा जी हैं, तीर्थ उतरे। अच्छा, आपसे कुछ नदी के बारे में जानना है। सरजू नदी कुमारी है, मान सरोवर से निकल के आई है माता जी। अच्छा, विष्णु जी की नेह से यही चौथा बोट पे पड़ता है। एक मखौड़ा का मेला, मखौड़ा का मेला हाँ बोट पर लगता है। इसी आगे जाने पाइए सल तुलसी राम घाट पे हैं। यहाँ यहाँ से पार हुए मखौड़ा मेला लगता है थोड़ी दूर पे, 84 कोस का परिक्रमा। उसके बाद फिर आए उत्तार घाट तक, यहाँ से बना हुआ है ये सरजू नदी कुमारी मान सरोवर से विष्णु जी की नेह से निकल के आ रही है। और राम जी से सरजू है, राम जी का कुछ ऐसा कहानी सरजू नदी के लिए? अब भगवान तो यहाँ स्नान किए, यहाँ स्नान किए। ये गौलोकपुरी है, सरजू कुमारी है, कुमारी गाय का पूजा होता है। ये गाय जी का पूजा होता है, गौ का पूजा यहाँ पूजा होता है। गाय गाय का, कुमारी गाय, कुमारी गाय, कुमारी। जैसे मथुरा में दीपदान, हाँ, काशी में अभिषेक दान, हाँ, अयोध्या में गौ दान, ये राम सीता जो पवित्र माना जाता है। ये गौ का पूजा यहाँ पर करके जब ये भवसागर सरजू नदी पार हुई तब ये गए मखौड़ा मेला। और तो यहाँ पर जय श्री राम भगवान का नारा है, और नारा है यहाँ पर लोग स्नान करते हैं फिर जाते हैं मंदिर में। यहाँ स्नान करेंगे, इसके बाद यहाँ नागेश्वरनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ का, अगर इच्छा है तो यहाँ जल चढ़ाते हैं, नहीं यहाँ से जाते हैं हनुमानगढ़ी, मेन मालिक वही है हनुमानगढ़ी, हनुमान जी से मिलते हैं, तब फिर परवेश होते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, कभी वही कनक भवन, वही दशरथ महल, सब पास से पास में पास पास में ही है, सब लोग मिल लेते हैं, सब पूजा प्रार्थना हो जाता है सब। तो आप यहाँ पर पूजा प्रार्थना करते हैं? हम लोग चुप रहे थे, पूजा पाठ यही गोदान कराते थे। ओके, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। और चलो आप लोग नदी तो घूम लिए, नदी के किनारे एक नहर है, शायद ये सरयू नदी का ही पानी उस नहर में जाती होगी। वहाँ से लेकर वहाँ तक डीजे लाइट्स लगे हुए थे, डीजे बॉक्स लगे हुए थे, बड़े बड़े बॉक्स रात में लगते हैं, और यहाँ का जो नज़ारा रात में देखेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। लाइट्स देखने में इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त लगेगा कि भाई साहब आपको दिल ही नहीं करेगा कि हम यहाँ से जाएं। कल रात में हम तब तक नहीं गए थे जब तक यहाँ पर डीजे बंद नहीं हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। क्या भैया, हेलो भैया, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। पानी ठंडा कि गर्म है? गर्म 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 है। ओ, मज़ा आ रहा है स्नान करने में? वाह, मज़ा आ रहा है आपको? अरे वाह भाई, अरे भैया बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया लगा, बढ़िया। जय श्री राम। पानी ठंडा की गर्म है? बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंड है, लेकिन जय श्री राम का नाम लेके कूदिए, गर्म हो जाएगा। ओ, गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाता है। ओ भाई, तो हमारा भी दिल कर रहा है कूदने के लिए, लेकिन हम नहीं कूदेंगे, हमको सर्दी लगा हुआ, ठंड लगा हुआ है, हम कूदेंगे तो और ठंड लग जाएगी, इसलिए हम कल नहाएंगे। क्या भैया, कल नहाएंगे? क्या भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भैया, बढ़िया। अभी तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाए हैं? नहीं भैया, लगाएंगे डुबकी, आप अभी लगा रहे हैं। लगाइए, लगाइए, जल्दी लगाइए। वाह, तैरने आता है कि नहीं आता है? आता है। ये पानी डूबा है, कम पानी इसमें? नहीं, यहाँ पे कम पानी, आप वहाँ पे बैठिएगा तो फिर बढ़िया आएगा। घर वालों को तो इधर से भी काम आ जाता है, जो इधर से आ रहे हैं। मंदिर के बाहर कितने पुलिस प्रशासन लोग हैं, और सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। नहीं, हम दबा दो ये। हम अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर राम जी के दर्शन करने, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरफ, यहाँ जाओ ना, यहाँ मुड़ोगे, ये दो रास्ते हैं, एक रास्ते और दो रास्ते, ये जाने वाली रास्ता है और ये आने वाली रास्ता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरफ, ये बीच में देख सकते हैं एक गैप छोड़ा गया है, और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब ये दीवार देख सकते हैं, दीवार दोनों तरफ का दीवार आप लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कैरिगरी किया गया है। दर्शनार्थी ध्यान दें, अपनी मोबाइल, चार्जर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अवैध वस्तु मंदिर में नहीं जाएगी। वो अपना मोबाइल, चार्जर, ये सब और दोस्तों अंदर में ना हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि आप पान, गुटखा, खैनी जो भी आप लेकर जा रहे हैं ना, उसको आप अपने यहाँ पर एक लॉकर दिया जाएगा, उस लॉकर में आपको वहाँ पर बंद करना पड़ेगा, तभी आप अंदर मंदिर में राम जी का दर्शन कर पाएंगे। पर आप जो भी सामान लेकर आएंगे ना, क्योंकि पान, खैनी, गुटखा कितना ज़्यादा रखा हुआ है, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा।
आप लोग को हम प्रभु श्री राम जी का दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कैमरा और फोन अलाउ नहीं था, तो हम वहाँ पर दर्शन नहीं करवा पाए। और पर दोस्तों अभी हम अयोध्या के एक और सबसे प्यारा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर में जा रहे हैं जिसका नाम है हनुमान गढ़ी। और अभी दोस्तों हम लोग आए हुए हैं हनुमान गढ़ी में और यहाँ पर भी देख सकते हैं भक्त लोगों का कितना ज़्यादा भीड़ है।